फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं बच्चों आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिएगा, इसी क्रम में हम सभी लोग आज क्लास नंबर 18 जो है करेंगे और आप सभी को 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं बच्चों, तो अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर एक बार सुन लें ताकि आपको पता चल पाएगा कि किस ऑप्शन में आपसे गलती हो सकती है, कौन से क्वेश्चंस आपको कुछ जो है ऐसे क्वेश्चंस है कि नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं या फिर आपको किस क्वेश्चन में कठिनाई हो रही है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपना पहला क्वेश्चन है, आई हैव हार्डली, और आपको एक ब्लैंक स्पेस देना है और आपको मिल रहा है मनी। मतलब आप कहते नहीं हो मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं, या फिर आप बोलते हैं कि मेरे पास बड़ी मुश्किल से थोड़े से पैसे हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखना होगा बच्चों कि जब हार्डली का प्रयोग होता है, ठीक है ना, हार्डली और स्कार्सली। ओके, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि हार्डली और स्कार्सली दो निगेटिव वर्ड हैं, इनके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग, नो का प्रयोग, नेवर का प्रयोग, ओके, और कुछ भी निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे सेंटेंस जो निगेटिव सेंस लेते हों उनके साथ कभी भी निगेटिव सेंस एक्स्ट्रा नहीं लगता। तो हार्डली का मतलब ही होता है निगेटिव सेंस, तो आप फ्यू का प्रयोग और लिटिल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो लिटिल का प्रयोग आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो है मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तब भी तो फ्यू का प्रयोग नहीं होगा। बट लिटिल का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि हार्डली और स्कार्सली ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं। ओके, अब बताइए आंसर क्या होगा, या तो सम या तो एनी, कौन सा होगा ये क्वेश्चन? या कह सकते हैं इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इसको जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई हैव हार्डली एनी मनी, याद रखिएगा बच्चों, नेगेटिव सेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का प्रयोग होता है, सम का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर जिन भी बच्चों का आ रहा है वे सभी लोग करेक्ट हैं। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको एक सेंटेंस मिल रहा है और आपको यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना होगा। आप देख पा रहे हैं आपका सेंटेंस है अ मेजर जनरल इज, फिर कह रहा है अ ब्रिगेडियर इन द ब्रिटिश आर्मी। तो अबव, फ्रॉम, ऑफ या इनटू, सामान्य सेंस में सेंटेंस कहा जा रहा है कि एक मेजर जनरल होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है किससे, अ ब्रिगेडियर से ब्रिटिश आर्मी में। तो अब बताइएगा यहाँ पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है ना? बिल्कुल सही बच्चों, आप बहुत जो है आप सभी लोग का करेक्ट है, अबव होगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन। यहाँ पर कह रहा है पोजीशन मतलब से ऊपर होता है, फ्रॉम, ऑफ, इनटू का प्रयोग कहीं भी नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। आज मैंने प्रीपोजिशन के 2 से 3 क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया है, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो सके, है ना, जो है, क्योंकि प्रीपोजिशन आपको कंफ्यूज करते हैं और ये कंफ्यूजन, ये जो अंदर बैठा हुआ डर है वो बार बार प्रैक्टिस से ही हटेगा। ओके, तो देखिएगा, कर्ड इज मेड, मेड फिर ब्लैंक स्पेस है और मिल्क मिल रहा है आपको, बताइएगा मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, ये तो आपने पढ़ा है ना, और मेड बाय, मेड इन तो होगा ही नहीं, मेड के साथ ऑफ लगता है कब और मेड के साथ फ्रॉम कब लगता है, यही अगर आप याद रख लें बच्चों तो आपसे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ठीक ना, बताइएगा मेड ऑफ कब लगाएंगे और मेड फ्रॉम कब लगाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, मेड, बहुत बढ़िया, मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक है, यू आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी, मेड फ्रॉम मिल्क, ठीक। अब देखिएगा, आपको पता है कि जब कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो वापस दोबारा ना बन पाएँ, उसका शेप परिवर्तन हो जाए, तो हम सभी फ्रॉम लगाते हैं। लेकिन
शेप परिवर्तन और अवस्था परिवर्तन जो है होने के बावजूद भी एक्चुअल चीज़ें बनी रहें तो उसके लिए ऑफ लगता है। जैसे कह रहा है दही दूध से बनता है, तो दही को वापस आप दूध नहीं बना सकते, ऐसे सेंस में फ्रॉम लगता है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि मेरी रिंग सोने की बनी है, तो सोना तो एक्चुअल में जब आप पिघलाओगे रिंग को, तो फिर से आपका सोना एक्चुअल वापस आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर गेहूं को वापस आटा जो है बनाने के बाद वापस गेहूं आप नहीं बना सकते। तो ऐसे सेंस में जब आप जो है फिजिकल चीज़ें, जो फिजिकल अपियरेंस होगा, भौतिक चीज़ें, उसमें परिवर्तन हो जाए तो फ्राम, और परिवर्तन ना हो, एक्चुअलिटी रहे, तो उसके लिए ऑफ लगता है। अंडरस्टूड? भूलिएगा मत, ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th देखिएगा। द रिंग इज मेड, अभी हमने बताया ना कि यहाँ पर क्या लगेगा, जब आप रिंग को पिघलाओगे तो सोना आपको वापस फिर वैसे मिल जाएगा, और उसको फिर से शेप आप दूसरा दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑफ लगेगा। बहुत बढ़िया, इसको याद कर लीजिए बच्चों। और कई बार आप जो है बेहतरीन पढ़ाई करते हैं, फिर भी एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं, तो मेड फ्राम मिल कर रट लीजिए, मेड ऑफ रिंग, मेड ऑफ गोल्ड रट लीजिए, तो आपको याद रहेगा कि दूध से दही का बनना, से के अर्थ में फ्राम लगता है, क्योंकि दही वापस दूध नहीं बनाई जा सकती, लेकिन रिंग को सोना अब जो है वापस बनाया जा सकता है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ बताइएगा आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा। और आपको एक सेंटेंस मिल रहा है, जॉन हेरसेल वॉज अर्बन काइंडली एंड जेनरस मैन। तो बताइएगा नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, या द, या ए, या एन, क्या करेक्शन होगा यहाँ? क्वेश्चन नंबर 5th, बहुत बढ़िया, अर्बन आप कह रहे हैं ना, ये तो बहुत आसान सा था, है ना, अर्बन, एन अर्बन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अ पढ़ भी रहे हैं, तो एन लगा देंगे, ए या यू यू वॉवेल होता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर यूनिक अगर लिखा होता, ठीक है, यूनिवर्सिटी लिखा होता, तो आप अ लगाते, याद रखिएगा, क्योंकि आप यू पढ़ रहे हैं, है ना, हिंदी के प्रोनंसिएशन को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, चूज़ द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। फिर कह रहा है अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको बताना है कि एक सेंटेंस दिया जा रहा है और उसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना है, तो यहाँ पर जो है फास्ट को आपको पहचानना है। आपका सेंटेंस है शी रैन फास्ट इन टूर्नामेंट, बताइएगा टूर्नामेंट में वो बहुत तेज दौड़ी, ये अंडरलाइंड वर्ड यानी कि फास्ट, ये किस जो है टाइप का है, किस पार्ट ऑफ स्पीच ये हिस्सा है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, या वर्ब है, बताइएगा। पहचानने वाले क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो आपको बच्चे बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। रन की विशेषता बता रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, इट्स एन एडवर्ब, ओके, एडवर्ब है ये फास्ट, ओके, क्यों? क्योंकि ये रन की विशेषता बता रहा है, बहुत बढ़िया। चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, ऑप्शन है आपका, आपका सेंटेंस है द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन दीज ऑफ मैसूर, दोज ऑफ मैसूर, दैट ऑफ मैसूर, या सिर्फ मैसूर, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा रहेगा। द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल दैन दीज ऑफ मैसूर, दोज ऑफ मैसूर, दैट ऑफ मैसूर, या सिर्फ मैसूर, कौन सा करेक्शन करेंगे आप, बताइएगा। बिल्कुल सही बच्चों, है ना, दैन दोज ऑफ, ओके, दैन दोज ऑफ, ओके, मैसूर, याद रखिएगा। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि श्रीनगर की तुलना मैसूर से नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, श्रीनगर के बगीचों की तुलना मैसूर के बगीचों से हो रही है, अंडरस्टूड। यहाँ पर अगर होता क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर तो दैट ऑफ लगता, अंडरस्टूड, ये होता कि द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर, तो क्लाइमेट सिंगुलर है तो दैट ऑफ लगता, लेकिन गार्डन से प्लूरल है इसलिए दोज ऑफ लग रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कॉमनली ये सेंस आप लगा के चलते हैं कि दैन के बाद फिर सीधे उसी नाउन या प्रोनाउन को लिख दिया जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसका किससे कंपैरिजन हो रहा है, इसको ज़रूर से ज़रूर समझना होगा। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, बताइएगा। इफ़ यू गो आउट योर फादर, अब कह रहा है शैल बी पनिश्ड यू, विल बी पनिश कैरिंग ऑन, या विल स्कोल्ड या शैल एडमायर, यदि तुम बाहर जाते हो या जाओगे तो तुम्हारे पिताजी तुमको क्या करेंगे, शैल बी पनिश्ड करेंगे या फिर विल बी कैरिंग ऑन करेंगे या विल स्कोल्ड या शैल एडमायर। ये कंप्लीट द सेंटेंस में, फिल इन द ब्लैंक में, है ना, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंडीशनल सेंटेंस है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ओके बहुत बढ़िया, कौन सा करेक्ट होगा? यस सी ऑप्शन, ठीक है ना, तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटेंगे। ओके यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ वाला क्लास प्रेजेंट में तो बाद वाला फ्यूचर में होता है, ठीक है। अब अगर पहला वाला देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट को प्रेफरेंस देते हैं, है ना। अगर आप देखिएगा कि आप शैल बी पनिश्ड करेंगे, तो यहाँ पर योर फादर शैल बी पनिश्ड मतलब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे द्वारा पनिश किए जाएंगे। अगर यहाँ बाई लगा दे तो पैसिव वॉइस में बन गया है, लेकिन पिताजी कहीं क्यों पनिश होंगे भाई, जाओगे बाहर आप तो डांट तो आप ही खाओगे ना। विल बी कैरिंग ऑन मतलब पिताजी जो है कैरिंग ऑन करते रहेंगे, तो पिताजी क्यों कैरिंग ऑन करेंगे अगर आप बाहर जाओगे, इंजॉय थोड़े ना कर रहे हैं। सेंटेंस के सेंस को भी ध्यान में रखना होता है। विल स्कोल्ड यही यहाँ पर सुटेबल है, और पिताजी के साथ शैल एडमायर नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं आई के साथ वी के साथ ही शैल लगता है, जब जो है एकदम दृढ़ संकल्प हो, कोई श्योरिटी हो, तभी शैल लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यह कंडीशनल सेंटेंस की कोई श्योरिटी नहीं होती है। ओके चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑनरस, ठीक है ना। ऑनरस वर्ड का एंटोनिम क्या, एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड क्या है, बताइएगा बच्चों। ऑनरस का अपोजिट क्या होगा, दो होगा, इजी होगा, डिफ़िकल्ट होगा या कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पर तो आप ऑप्शन से ही है ना जूझ कर सकते हैं अपने करेक्ट आंसर को, देखिएगा। टफ, डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, ये कहीं ना कहीं सिनोनिम बन के आ रहे हैं ना, एक ही जो है वर्ड ऐसा है जो कि क्या है आपको इन तीनों से अलग प्रजाति का लग रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको ऑप्शन से ही नहीं भी पता रहे, तो ऑप्शन से ही आप ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं सही होने के चांसेस रहते हैं। टफ, डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, ये तीनों आपके सेम मीनिंग है, सेम जो है सिनोनिम है, बट इजी आपका एंटोनिम है इन तीनों चारों में से, तब ऑनरस का एंटोनिम यही होगा, ठीक है। क्योंकि टफ और डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड होता तो तीनों ऑप्शन नहीं देता। ओके बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चूज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस चूज करना है आपको, बताइएगा। माय कैप्टर्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन, ये सेंटेंस आपका क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना हुआ है। यू विल हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इन टू पैसिव वॉइस, बताइएगा। आई वॉज बींग टेकन टू प्रिजन बाई माई कैप्टर्स, दूसरा ऑप्शन है। द कैप्टर्स हैड टेकन मी टू प्रिजन, आई हैड टेकन द कैप्टर्स टू प्रिजन, आई वॉज टेकन टू प्रिजन बाई द कैप्टर्स, बताइएगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आपको पता है ना बच्चों कि जब सेंटेंस में इज एम आर आता है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर प्लस बींग लगाते हैं, अंडरस्टूड, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके ठीक उसी पैटर्न पर जब वॉज वर आता है, ओके वॉज वर आता है, वर्ब का आई एन जी फॉर्म आता है, तो हम सभी क्या करते हैं, वॉज वर के साथ क्या ही होता है, बींग, यहाँ भी हम सभी लोग लिखते हैं, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले ही ऑप्शन में बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन करेक्ट है आप सभी बच्चे का, ठीक है ना। आई वॉज बींग टेकन, देखिए मी टेकिंग मी अगर देखें आप तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मी फुल स्टॉप। अब टू प्रीपोजिशन जो टू प्रीजन जो कह रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, या फिर आप जो है कह सकते हैं ये सेंटेंस कंप्लीशन में काम कर रहा है।
तो टेकिंग मी मतलब किसे ले गया, मुझे ले गया, तो मुझे ले जाया जा रहा था, ठीक है, उसके द्वारा नहीं, बाय माय कैप्टर्स, मेरे कैप्टर्स के द्वारा, और आप बोल रहे हो मेरे कैप्टर्स मुझे जेल ले जा रहे थे। ओके, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको एरर ढूंढना है। ही इज़ वेल नोन फॉर बोथ हिज काइंडनेस एज वेल एज हिज अंडरस्टैंडिंग। बताइए इसमें किस पार्ट में आपको एरर मिल रहा है? एरर वाले क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे मिल सकते हैं, आप ए स्लैश बी स्लैश को ही आधार नहीं बनाएंगे, बताइए। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन, ठीक है ना। अब सी एज वेल एज सुंदर तो लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो क्या आप इसको करेक्ट कर देंगे? नहीं 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 क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है। नोट कर लीजिए बच्चों, इसको याद रखिएगा, बोथ एंड को ही लेके चलता है और किसी को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देता। बोथ हो गया, बोथ के साथ एंड हो गया, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आइदर के साथ और है, वेदर के साथ और है, ठीक है ना। ये सभी जो है कोरिलेटिव कंजक्शन है, ये अपने एक जो है फिक्स पार्टनर के साथ चलते हैं और किसी पार्टनर को ये चेंज नहीं करते हैं। तो बोथ के साथ एंड आएगा एज वेल एज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, बाकी सब सही है। ओके, यहाँ पर कह रहा है ही इज़ वेल नोन फॉर बोथ, वह जानता है उसके अंडरस्टैंडिंग के बारे में और उसके जो है काइंडनेस के बारे में दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच पार्ट हैज एन एरर, इसको भी बता दीजिए किसमें एरर मिल रहा है आपको। कह रहा है दिस मशीन लुक्स गुड बट इज़ वेरी फिर बैडली डिजाइंड एंड डजेंट वर्क गुड। ये भी बहुत आसान है, दिस मेडिसिन लुक्स गुड बट इज़ वेरी बैडली डिजाइंड, फिर है एंड, फिर क्या कह रहा है, डजेंट वर्क गुड, इसको बताइएगा। ट्वेल्थ में कंफ्यूज नहीं होइएगा बच्चे, आपको बताया गया था कि जो गुड है वो गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव होता है, याद आया होगा, ठीक है। और अगर वेल कहीं मिले तो वेल क्या होता है, एडवर्ब होता है। ओके, वेल मिले तो एडवर्ब होता है, गुड मिले तो एडजेक्टिव होता है। तो जब आप देख पा रहे हैं वर्क गुड नहीं होना चाहिए, वर्क वेल होना चाहिए, डी ऑप्शन में ही एरर है, ठीक है। एडवर्ब का अपना स्थान है और एडजेक्टिव का अपना स्थान है, एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, वी डिड नॉट गेट होम, अब कह रहा है 2 AM, ऐड करेंगे, टिल करेंगे, आफ्टर करेंगे, टू करेंगे, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपके लिए रख दिया हूबहू, ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे सामान्य तौर पे ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आया है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग यही पढ़ते हैं ना कि समय के पहले एट आ जाता है, एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, यही तो हम सभी पढ़े हैं, ठीक है। सामान्यतया हम लोग यही सेंस में क्या करते हैं, इस तरीके से कर देते हैं, लेकिन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आप एट लगाते हैं। नोट कर लीजिएगा, एट फिक्स टाइम के लिए लगता है, जैसे एट 2 o'clock, एट 3 o'clock, यहाँ पर फिक्स टाइम लिखा तो है लेकिन फिक्स का सेंस नहीं निकल रहा है, यू विल हैव टू अंडरस्टूड माई पॉइंट। देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर टिल का मीनिंग निकल रहा है, नोट कर लीजिएगा बच्चों, तक का मीनिंग निकल रहा है, बाय का मीनिंग निकल रहा है, क्या कह रहा है, तक का मीनिंग, तक बराबर टिल होता है। ओके, अब अगर यहाँ अनटिल होता तो टिल को भी रिप्लेस करके अनटिल लगाते, क्योंकि ऑप्शन में हम सभी लोग देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है। ओके, यहाँ अगर अनटिल होता तो जब तक नहीं के सेंस में अनटिल लगाते, बट अनटिल नहीं है तो टिल लगाएंगे, लेकिन ऐट के तरफ नज़र उठाकर हम लोग देखेंगे नहीं, पाप लग जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों टिल का मीनिंग निकल रहा है, क्योंकि कह रहा वी डिड नॉट गेट होम टिल 2 बजे, 2 यानी 2 बजे तक हम घर नहीं पहुँचे। 2 बजे घर नहीं पहुँचे कोई फिक्स टाइम थोड़े है कि आप फिक्स टाइम कह रहे 2 बजे घर नहीं पहुँचे, 2 बजे तक घर नहीं पहुँचे, इस सेंस में जो है
कह रहा हम सभी को घर 2 बजे तक नहीं मिला, घर पर हम लोग 2 बजे तक नहीं पहुंचे। समझ लीजिएगा इसको एट का प्रयोग नहीं होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो टिल का प्रयोग होगा। ओके आगे बढ़ जाएंगे, फियर ऑफ स्टडी को क्या बोलते हैं। बहुत से बच्चे हैं ना जो पढ़ने से डरते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऑप्शन देख लीजिएगा, लेट्रोफोबिया, लोगोफोबिया, सीटोफोबिया, मोनोफोबिया। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों कि जब कभी भी फोबिया वर्ड लगा रहे तो इसका मतलब डर होता है। फोबिया वर्ड हमेशा डर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन से देख लीजिएगा, चारों का मीनिंग आपको बताया जाएगा, बट आप तब तक आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। फियर ऑफ स्टडी, लोगोफोबिया, बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा बच्चों, लोगो मतलब ही होता है ना, लॉजी उसी से तो बना है, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है, लॉजी से ही लोगो बना है। लोगोफोबिया यानी अध्ययन का डर, ठीक। अब देखिए, लिट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ डॉक्टर होता है, नोट कर लीजिएगा, फियर ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर का डर है ना, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे वो वाला डर। और सीटोफोबिया मतलब फियर ऑफ फूड, खाने का डर। ओके अलग अलग प्रकार के डर हैं जो आपको जो है वन वर्ड सब्टीट्यूशन में मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी विदेश से आई है तो विदेशों का अपना अलग अलग डर होता है। और मोनोफोबिया मतलब अकेले होने का डर, फियर ऑफ बीइंग अलोन, याद रखिएगा, फियर ऑफ बीइंग अलोन, कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं, मुझे अकेला होने पर कैसा फील होगा, सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मोनोफोबिया। ओके सीटोफोबिया फियर ऑफ फूड था, लोगोफोबिया फियर ऑफ स्टडी था, लेट्रोफोबिया फियर ऑफ डॉक्टर था। ओके याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में आता है। हाइड्रोफोबिया होता है पानी का डर। ओके क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे, ही इज़ कंपेरेटिवली इन दिस एरिया मोर पॉपुलर, पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर, इसको बताइएगा क्या करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे, पॉपुलर, ठीक है ना, पॉपुलर भी ऑप्शन। याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन एक बार दूसरे तरीके से एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। दिस बुक इज, इस तरह से था, कंपेरेटिवली गुड इन माई लाइब्रेरी। तो अब यहाँ पर देखिएगा, कंपेरेटिवली गुड, कंपेरेटिवली वर्ड के बाद आपको फिर से कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता, या कंपेरेटिवली वर्ड ही तो बता रहा है कि मेरी तुलना हो रही है, ठीक है। तो सामान्य एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं, कंपेरेटिवली बेटर, कंपेरेटिवली मोर पॉपुलर, ऐसा कुछ नहीं होगा, कंपेरेटिवली में ही आपकी डिग्री का जिक्र हो गया, इसलिए आप सामान्य एडजेक्टिव लिखेंगे, कंपेरेटिवली पॉपुलर इन दिस एरिया, ठीक है, तुलनात्मक रूप से वह ज़्यादा लोकप्रिय है। यहाँ पर आपको ज़्यादा के सेंस में मोर नहीं लगाना है, क्योंकि तुलनात्मक कंपेरेटिवली वर्ड की मीनिंग में ही निकल रहा है, तो आप अपने तरफ से कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ओके ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है गुड करके आया हुआ है, बट यहाँ पॉपुलर आपको ध्यान रखना है, इसको बताना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। आपका सेंटेंस है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ व्हाट दे हैव, ब्रैकेट में है सीन, हैव सीन, ठीक। अब आपको हैव सीन को देखना पड़ेगा कि क्या करेंगे आप। पहला ऑप्शन हैड सीन में कर देंगे, यानी कि दे हैड सीन हो जाना चाहिए, या दे हैड बीन सीन हो जाना चाहिए, दे वर सीन हो जाना चाहिए, या कुछ नहीं होना चाहिए, जो है वही सही है, बताइएगा कौन सा करेंगे आप। दे आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट, बहुत अच्छे बच्चे, टेंस चेंज करेंगे ना तो हैव आपका किस में आ जाता है, हैड सीन में, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है तो आपको आगे पास्ट ले चल के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। राइट अ शॉर्ट, इसके बाद अकाउंट ऑफ व्हाट दे हैड सीन, मतलब जो भी उन्होंने देखा था उसको उन्होंने लिख डाला, टीचर ने बच्चों से लिखने को कहा। ओके याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस विच कैन मेक द गिवन सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअल, फिर है
आपको सेंटेंस मिल रहा है द गवर्नमेंट इज़ फिर कह रहा है टू एक्ट अगेंस्ट दिस क्रुक। अब आपको मिल रहा है प्योरली, फिर मिल रहा है आइडियली, तीसरा श्योरली और चौथा हेल्पलेस। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए द गवर्नमेंट इज प्योरली एक्ट टू अगेंस्ट दिस क्रुक्स, या आइडियली टू एक्ट, या जो है श्योरली टू एक्ट, या हेल्पलेस, बताइएगा। सुटेबल वर्ब भरने को भी या सुटेबल वर्ड भरने को भी सेंटेंस पूछता है। देखिए हेल्पलेस है यानी असहाय है, याद रखिएगा बच्चों, आपको सेट करना पड़ता है असहाय है, ठीक है। टू एक्ट अगेंस्ट कि क्रुक्स के खिलाफ एक्ट करने के लिए, यानी कि उनके खिलाफ कार्य करने के लिए सरकार भी मजबूर या असहाय है, ओके। श्योरली प्योरली आइडियली नहीं होगा, ओके, ये सब एडवर्ब हैं, ओके, यहाँ पर एडवर्ब का कोई काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियरेस्ट द मीनिंग टू गिवन वर्ड, इसको बताइएगा। बैनिश्ड का क्या मतलब है, वेलकम्ड, इंट्रोड्यूस्ड, या एक्सपेल्ड, या एक्सेप्टेड। बैनिश्ड मतलब क्या होता है, मैंने एक बार ये वर्ड और आपको दिया था, लेकिन आपको अगर याद होगा तो ही करेक्ट होगा। क्या करेक्शन करेंगे आप, बहुत बढ़िया, एक्सपेल्ड सी ऑप्शन, ठीक है। वनवास देना, देश निकाला देना, एक्जाइल करना, ठीक है, एक्जाइल यानी देश निकाला दे देना, तो बैनिश्ड का एक्सपेल्ड यानी कि देश से बाहर कर देना, वनवास कर देना, इस तरीके से, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा, यहाँ पर भी नियरेस्ट मीनिंग निकालना है, यानी कि इनडेलिबल का सिनोनिम। तो इरेजिबल, इनडेलिबल मतलब क्या होता है, अमिट, जिसको जो मिटाया ना जा सके, दैट कैन नॉट बी डिलेटेड, यानी अमिट कहते हो ना कि अमिट है, अब ये मिट नहीं सकता, ओके। अमिट को क्या बोलते हैं, इनडेलिबल, यानी कि जो डिलीट ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी डिलीटेड, ओके, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, दैट कैन नॉट बी इरेज, जो भी आप समझे, जिसे मिटाया ना जा सके। अब देखिए इरेजिबल तो ये तो होगा मिटाने योग्य, नहीं होगा आंसर। करेक्टेबल मतलब होता है जिसको करेक्ट किया जा सके, ये भी नहीं होगा। परमानेंट, बहुत बढ़िया, देखिए परमानेंट मतलब अस्थाई ना, जो चीज़ अस्थाई हो जाएगी वो मिट नहीं सकती। ऑलमाइटी भी आंसर नहीं होगा, ओके, तो याद रखिएगा। इनडेलिबल मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके, अमिट। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, आई वुड लाइक टू ट्राई पिज्ज़ा पास्ता सो आई कैन नो द डिफरेंस, इसको बताइएगा। मैं पिज्ज़ा और पास्ता क्या कर रहा हूँ, लाइक कर रहा हूँ, प्रयास करने का जो है सोच रहा हूँ, ताकि मैं डिफरेंस जान सकूँ। तो अगर बट करते हैं तो बट के साथ ऑल्सो आएगा, तो आप जानते हैं बट के साथ ऑल्सो नहीं आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, बोथ के साथ एंड आता है, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर अगर आप करते हैं, तो आइदर मतलब दोनों में से एक, तो दोनों में से एक अगर ट्राई करेंगे तो नहीं डिफरेंस जान पाएंगे, दोनों में से कोई नहीं नाइदर नॉर का मतलब होता है, तो भी आप डिफरेंस नहीं जान पाएंगे। आगे के सेंटेंस में कह रहा है ना, ताकि मैं जान सकूं डिफरेंस के बारे में, तो जब दोनों ट्राई करेंगे तभी जान पाएंगे पिज्ज़ा और पास्ताओं के बीच में, तो बोथ और एंड, समझ पा रहे हैं ना बच्चों। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आपने प्रयास किया, आपके सभी क्वेश्चन लगभग लगभग करेक्ट हैं, एक दो क्वेश्चन जो आपसे गलत हुए हैं उसको बच्चों ध्यान से देख लीजिएगा, और क्लासेस को ऐसे कंटिन्यूसली देखते रहिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, और बच्चों जो है क्लास को बहुत ज़्यादा विस्तार करिए और शेयर करिए। आपके शेयर की, आपके लाइक की हमें आवश्यकता है, ताकि हमें और भी मेहनत करने के का मोटिवेशन मिल सके, और खूब मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।